उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए बनाए गए लैब की जानकारी हासिल की और कहा कि प्रत्येक बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना के नमूनों की जाँच के लिए बनाए गए लैब की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि कोरोना के अलावा अन्य गंभीर रोगों के उपचार की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संक्रमण से बचा जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वेंटिलेटर्स अवेलेबल इन द कॉलेज और इंस्टीट्यूट, इसमें जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ, एनआईसी लखनऊ लाइन पर है, सरकार के ऊपर नहीं है। राइट लेटर इन राइटिंग, कौन लिखेगा इन पर? लिखिए डायरेक्टर को, ये प्रतिकूल दृष्टि से देखा जा रहा है, अक्षम्य है, तमाशा बना रखा है पीजीआई ने। नोडल ऑफिसर, व्हाई इज ही नॉट प्रेजेंट? किसी को भी यहां योजना भवन मत बुलाइए, लेट देम पार्टिसिपेट फ्रॉम एनआईसी। केजीएमयू से कौन आए? नहीं आए, वहां से भी नहीं है। और लोहिया इंस्टीट्यूट से कौन है? वहां से भी नहीं कोई है। ये अलर्ट साहब बने हुए हैं, जरा तीनों को एक चिट्ठी लिखिए। इनके जो नोडल ऑफिसर हैं और इनकी जो टीम्स हैं, साथ साथ इनके चीफ्स होते हैं, उनमें से कम तीन टीम्स के हेड्स, चार चार आदमी तीनों इंस्टीट्यूट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझ गए? चार आदमी, तीन हेड ऑफ टीम साथ में से और एक जो नोडल ऑफिसर, चार चार लोग अगली वीसी में पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम एनआईसी लखनऊ। इनको सूचना रही होगी, आपने तो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला। ग्रेव डिस्प्लेजर हैज बीन एक्सप्रेस्ड, ग्रॉस इनसबॉर्डिनेशन, एक आदमी नहीं है समझ लीजिए, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। कड़ा पत्र लिखिए, एनफोर्स कराइए, तामील कराइए, पत्र तामील होता है। मैं कोरोना की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री जी ने आगे जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो इस समय पेशेंट केयर पर ध्यान देना है, खास तौर पर ऑक्सीजन सिस्टम के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने दो बार अपने एड्रेस में फोकस किया, हर बेड पर ऑक्सीजन, हर बेड पर ऑक्सीजन, इसको सुनिश्चित करना है। इसका माइक्रो प्लान सभी डायरेक्टर, सभी प्रिंसिपल्स बनाने, ये मस्ट। यूपी में मोर्टैलिटी रेट अभी 1% है, अन्य प्रदेशों से कम है। इंडिया का औसत 3.2% है मोर्टैलिटी का। तो हमारे सभी प्रिंसिपल जिनके यहाँ भर्ती है मरीज, खासतौर में वेस्टर्न यूपी में, सेंट्रल यूपी में जहाँ ज्यादा है मरीज, तो बधाई की बात करें। काफी पेशेंट्स डिस्चार्ज हो निकले हैं, मेरठ से, ग्रेटर नोएडा से, नोएडा से, आगरा से, सब लोग कह रहे थे ना ऑक्सीजन लगानी है, ऑक्सीजन लगानी है, आगे पेशेंट्स आएंगे। अब इसको चेंज कर दिया गया है, मुख्यमंत्री की मीटिंग में बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, जितने भी 60 साल के ऊपर के लोग, जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे 5 साल के नीचे, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एस्थमा, ऐसे जो लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, उनको भी मेडिकल कॉलेज एंट्री फैसिलिटी मिला है, जरूरत पड़ने पर सीधे एंट्री में ले जाते हैं। ये विवेक पर डिपेंड करता है जिलाधिकारी के और सीएम को, इसको मैकेनिकली नहीं करना। जिन मेडिकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट के जिले में मरीज हैं और उनके कॉलेज में मरीज नहीं है, टू मरने वाली बात,
दुख भरने वाली बात है अगर हमारे जिले में मरीज है और हमारे मेडिकल कॉलेज में मरीज नहीं है। आप सीएमओ से बात करिए, डीएम से बात करिए कि हमारे यहाँ मरीज भेजिए, हमने इतनी बड़ी फैसिलिटी क्रिएट कर रखी है। जो बूढ़े आदमी बच्चे मेडिकली कॉम्प्रोमाइज लोग हैं इन्हें भेजिए, क्योंकि अगर कल को उनके साथ हादसा होता है तो मौत होगी, और एक मोर्टैलिटी अगर किसी जिले में हो जाती है तो उससे हमारा ग्राफ थोड़ा सा पीछे रहता है। मोर्टैलिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी, लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि मोर्टैलिटी कम से कम रखे। अभी तक अच्छा काम है। दूसरी चीज, जो लैब्स की स्थापना हुई है प्रदेश में, और इसमें बहुत बढ़िया काम केजीएमयू की माइक्रोबायोलॉजी की हेड प्रोफेसर अमिता जैन ने किया, और भी लोगों ने किया, एचओडी माइक्रोबायोलॉजी ने तमाम जगह। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो लेबोरेटरी सेटअप करने में काम हुआ है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जितनी तेजी से लैब में बीएसएल कोविड 19 फैसिलिटी खड़ी की गई है 3 सप्ताह में, हिंदुस्तान में अव्वल दर्जे का काम किसी भी स्टेट में इतनी तेजी से इतने गुणा अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है, तो आपने इंप्लीमेंट किया है। और इसके लिए भी जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं बधाई के पात्र लोग हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब हैं, ये लोग बधाई के पात्र। इसी के साथ तीसरा काम जो एक कोविड हॉस्पिटल को खड़ा करने का हुआ सैफई मेरठ झांसी में प्रयागराज में गोरखपुर में बहुत बढ़िया काम हुआ है, और इन हॉस्पिटल्स को देख लीजिए फुल्ली 200 बेड्स के हिसाब से क्रियाशील हो जाए, ये बेहतरीन काम हुआ है नए कोविड जगत फ्री हॉस्पिटल खड़ा करने का। इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं बधाई के पात्र। कम स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 सप्ताह के अंदर अपने मेडिकल कॉलेज 7,000 आइसोलेशन बेड खड़ा कर दिया, और उत्तर प्रदेश में 52 मेडिकल कॉलेजेस ने यह काम किया है, जिसके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने भी काफी अच्छा काम किया है, उनको भी बधाई दूंगा। इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, उन्होंने कहा सामूहिक प्रयास, निरंतर प्रयास और फोकस्ड प्रयास, यानी प्रयास सामूहिक होना चाहिए, इसीलिए 60 टीमें बनाई गई हर मेडिकल कॉलेज। निरंतर प्रयास, लंबी लड़ाई, हफ्ते भर काम किया करके बैठ गए काम नहीं होता, 24/7 3 महीने के लिए काम करने के लिए तैयार। अभी मार्च निकला है, अप्रैल मई जून में भी कर सकता है। और फोकस प्रयास, फोकस का मतलब है फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, क्या करना है उसके लिए कैसे कड़ियों को बैठाना है, प्लानिंग, ये काम बहुत जरूरी है। आप लोगों ने कोविड अस्पताल बना लिए, केवल बेड लगाने से कोविड अस्पताल नहीं बनता है, आपको 10% वेंटिलेटर्स करने हैं। जो लेवल 3 हॉस्पिटल्स का दर्जा पाए हुए लोग हैं वहां 20% वेंटिलेटर कैपेसिटी में नहीं है, आप लेवल 3 हॉस्पिटल यानी झांसी में 40 कर दिए, वेंटिलेटर नहीं है तो वेंटिलेटर खरीदना होगा, खरीदने में कंपनी कहती है कि मुझे 4 महीने लग जाएंगे तो आपको कहीं और से वैकल्पिक इंतजाम करना होगा, लोकल लेवल पर रीडेप्लॉयमेंट देखना होगा। अभी जो रीडेप्लॉयमेंट की फिगर मेरे पास इंस्टीट्यूट से आई है वो बहुत खराब है, और इसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस की भी खराब है। आप देख लें केवल जो आपके एमरजेंसी वर्क्स हैं, जो आपको ऑब्स्टेट्रिक्स और कैंसर से रिलेटेड कुछ एमरजेंसी सर्जरीज हैं, इनको छोड़ के बैलेंस सारे वेंटिलेटर कोविड में लगते हैं। जो वेंटिलेटर खराब है वो वेंटिलेटर आपके अब तक ठीक हो जाने चाहिए, 19 वेंटिलेटर खराब है, ये वेंटिलेटर ठीक कराइए, अब समय नहीं रह गया। नए वेंटिलेटर्स अगर आपको मार्केट में कहीं से 15-20 दिन में कोई सप्लाई कर देता है ले लीजिए, कोई महीने भर में भी सप्लाई करता है ले लीजिए, लेकिन अगर वो नहीं है तो डीजी साहब ने आदेश दिया था छोटे वाले वेंटिलेटर्स के संबंध में, उसमें आप लोगों को वो भी दिया गया था, मुझे बताया गया कि अभी तमाम कॉलेजेस ने उसमें क्रयादेशी नहीं पारित की,